नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लोकतंत्र देश का सब जो लोकतंत्र भारत का वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। उस लोकतंत्र में सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो चलती रहती हैं और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, मुद्दे भी चलते रहते हैं, कभी धार्मिक, कभी सामाजिक और कभी गरीबी के, कभी बेरोजगारी के, और ये हमेशा चर्चा बने रहते हैं। और जब ये मुद्दे चर्चा में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगी रहती हैं। जो आज का हमारा मुद्दा है बहुत अहम है, क्योंकि आज मुद्दा हम किसी विशेष को देखते नहीं लाए हैं, ये मुद्दा किसी के कामकाज को लेकर है, ये मुद्दा जनता की समस्याओं को लेकर है, ये मुद्दा सियासी है और इस मुद्दे से सीधा जुड़ाव देश की राजनीति का भी है, जनता का भी है और हमारे मुद्दों का भी है, जिसके लिए हम अपने समाज के लोगों को उन कुर्सी पर बैठाते हैं जहां से वो हमारे लिए काम करें। कुर्सी यानी विधायक की कुर्सी, यानी सांसद की कुर्सी, यानी राज्यसभा सांसद की कुर्सी, यानी मेयर की कुर्सी, नगर पंचायत अध्यक्ष की और कुर्सी सभासद की या प्रधान की व्यवस्था। और जो उद्देश्य केवल एक विकास, उद्देश्य केवल एक बेहतर, उद्देश्य केवल एक कि जनता की समस्याओं का निराकरण। मुद्दा आज का जो है कि सियासत, जनता और उनके मुद्दे। हम देख रहे हैं इस समय हमारे देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं उसको तहत लगातार चुनाव चलते रहते हैं। कभी राज्यसभा सांसद चुनाव होता है, कभी विधायक विधानसभा चुनाव होता है, कभी सांसदी चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, अभी निकाय चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, हिमाचल में होने हैं, और जो सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं। पर सरगर्मियों के बीच जनता कहाँ है पता नहीं, और जनता के मुद्दे कहाँ हैं वो भी नहीं पता। रीजन और कारण क्या है कि जो सियासी लोग हैं वो इस समय चुनावी गतिविधियों में लगे हुए हैं। जनता का हश्र क्या हो रहा है, योजना बना दी है, काम चलता रहेगा, रिपोर्ट देखते रहेंगे, हरी झंडी देखते रहेंगे और समीक्षा करते रहेंगे। समीक्षा में जो अधिकारी रिपोर्ट पेश कर देंगे उसको उसका भी एक खुलासा करते हुए मीडिया में रिपोर्ट जाहिर कर देंगे। काम कितना हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोग उससे प्रभावित हैं, स्थिति क्या है, इसकी ना किसी को फुर्सत है और ना फिर अला भी जरूरत, क्योंकि इस समय माहौल चल रहा है चुनावी। और चुनावी माहौल में केवल एक ही बात समझ में आती है कि कैसे जनाधार बनाएं और कैसे अपनी सरकार बनाएं, और कुछ नहीं। चुनाव अभी हम अगर बात करें तो गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है, और आज की जो विशेष चुनाव की बात करें तो दिल्ली में MCD के चुनाव है। MCD जो 1958 बनी थी, पहले DMC थी, और उसके बाद इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ पर तीनों निकाय को मिला के एक निकाय बना दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को मिलाकर यहाँ पर एक निकाय बनाकर बना दिया गया है और चुनाव वहाँ पर होने हैं। 4 दिसंबर को चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ पर जो हमारा मेन जो उद्देश्य इस चर्चा को करने का, वो केवल उद्देश्य ये है कि जो हमारे सियासी लोग हैं या जो हमारे नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सभासद हैं, वो चुनाव के समय तो आते हैं पर जब जनता को समस्याएं होती हैं, जब जनता स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही होती है, जब जनता परेशानी में पीड़ित होती है, जब जनता उन नेताओं की तरफ देखती, तब नेता आज ही केवल और केवल नजर आते हैं सियासी व्यवस्थाओं को देखते हुए। और इस समय दौड़ लग रही है प्रत्याशी बनने के लिए, सीट लेने के लिए। जनता परेशान है डेंगू से, जनता परेशान है गंदगी से, जनता परेशान है प्रदूषण से, जनता परेशान है गरीबी से, पर इसकी ज़रूरत ना हमारे किसी बड़े प्रतिनिधि को है और ना शायद अब सरकारों को। बेहतर कर रहे हैं, रिपोर्ट बेहतर आ रही है, तमाम तरह के आंकड़े तो दे दिए जाते हैं, पर जनताओं के मुद्दों की बात यहाँ कौन करेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जब कभी सुनवाई नहीं होती है या ध्यान नहीं दिया जाता है या अगर समीक्षा ढंग से नहीं होती है और सरकार भी कुछ चीज़ों की सुन लेना भूल जाती है, बहुत बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, अगर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य भूमिका रहती विपक्ष की। पर फिलहाल विपक्ष भी इस समय मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के चुनाव में व्यस्त है। सरकार का आरोप लगाना बहुत आसान है,
उनको प्रत्यारोप करना बहुत आसान है, उनके ऊपर प्रश्न उठाना बहुत आसान है, व्यवस्थाओं पर चिन्ह लगाना बहुत आसान है, पर उन व्यवस्थाओं के लिए खुद कितना लड़ते हैं ये भी तो बात देखने वाली है। भाई अगर सीटें देकर आपको सत्ता में पार्टी ने बिठाया है, जनता ने बिठाया है, तो कहीं ना कहीं वो जनता ने आपको भी 111 सीटें देकर विपक्ष की भूमिका दी है, तो उनके तो जनप्रतिनिधि आप ही हो, तो यहाँ पर वो सेवाएं भी आपको देनी पड़ेंगी। कम से कम अपनी विधानसभा का ख्याल भी अगर बेहतर कर लेंगे तो शायद स्थिति कुछ तो बेहतर होगी। क्या यह केवल हम सरकार की तरफ देखते रहेंगे या उनको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, पर एज ए विधायक जिम्मेदारी प्रत्येक विधायक की अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर है, अगर उस विधानसभा क्षेत्र को भी बेहतर कर लेंगे तो कम से कम उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, ये विपक्ष के लिए है। खैर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अगर मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये भी हम खबरन बीसों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, क्योंकि हमारा काम ही है कि जहाँ पर सियासत होती है, जहाँ पर राजनीति होती है, जहाँ पर जनता हमारी तरफ देखती है, तो हमारा भी दायित्व है और शायद हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हमको भी उनकी बात करनी है और हमको भी वो आयना दिखाना है देश के उन जनप्रतिनिधियों को कि नहीं, चुनाव करिए, लोकतंत्र के पर्व को मनाइए, पर जो लोकतंत्र के पर्व की आधार है, जनाधार है, जनता जनार्दन है, थोड़ा उसका ख्याल भी कर लीजिए, थोड़ा वहाँ भी ध्यान दे दीजिए कि अगर वो त्रस्त है डेंगू से, अगर वो त्रस्त है प्रदूषण से, अगर वो परेशान है गरीबी से, अगर परेशान है गंदगी से, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। केवल गारंटी दे देना, मुफ्त की राजनीति कर लेना, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा लेना और तमाम तरह के नए नए मापदंड अपनाना, कभी फोटो लगवा कर तो कहीं दूसरी बात कहकर, इससे अलग अगर कुछ काम जनता के लिए कर लिया जाए तो शायद कुछ बेहतर होगा। चर्चा का विषय बहुत अहम है और शायद इस चर्चा के माध्यम से हमारे जो साथी हैं वो ये बात समझ पाएंगे कि नहीं, चुनाव जरूरी है, निश्चित रूप से लोकतंत्र जरूरी है और ये पर्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के पर्व के साथ साथ समाज सेवा भी जरूरी है। राजनीति में अगर व्यवस्थित आप नहीं रखेंगे, राजनीति में अगर आप बेहतर नहीं करेंगे और अगर जनता की बात नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों का काम नहीं करेंगे, तो फिर राजनेता किस काम के? क्योंकि एक समय था कि जब राजनीति का केवल एक और एक उद्देश्य होता था, वो था समाज सेवा, पर अब राजनीति का उद्देश्य यहाँ पर समाज सेवा नहीं बल्कि अपनी सेवा होना हो, और अपनी सेवा होने पर इसलिए आज हमें इस चर्चा को विषय रखा है और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। केसी भाई नेता भाजपा अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान नदीम अपना पक्ष रखेंगे, भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव विशेषज्ञ के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, समाज सेवी के रूप में विवेक शर्मा जी अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में हमारे साथ विनोद भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा केसी भाई से रहेगा। केसी भाई, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है निकाय चुनाव की, तैयारियाँ चल रही हैं, मैनपुरी में उपचुनाव होना है, खतौली में होना है, रामपुर में होना है और बिगुल फूट चुका है, पर इन बिगुल फूकने के बीच कहीं ना कहीं ये हम देख रहे हैं कि सियासत इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, और ये मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा किसी भाई, ये बात हम पूरे देश की करेंगे कि कहीं ना कहीं जनता की समस्या है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली आ रही है। हम योजनाएँ बनाते हैं, खाका पेश करते हैं, बेहतर काम करते हैं, रिपोर्ट भी देखते हैं और जनता को उसकी विचार भी करते बताते हैं कि हाँ भाई ये बेहतर कर रहे हैं, पर कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। डेंगू का 13,000 से ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ हालांकि स्वास्थ्य मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, पर मेरा ख्याल मानना है कि क्या केवल ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है कि थोड़ा ध्यान यहाँ पर जनता को दिया जाए। लोकतंत्र का पर्व जरूरी है, पर थोड़ा पर्व अब जनता को भी देखना है, जिम्मेदारी आपकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं और आपने जो शुरुआत की, आपने जो अपने स्टेटमेंट में कहा जी, कि जब भी इस तरीके की समस्या आती है इसमें साझी भागीदारी जी, केवल सत्ता पे डिपेंडेंट रहना, केवल अपने विधायक पे डिपेंडेंट रहना जी, केवल अपने मंत्री पे डिपेंडेंट रहना जी, तो हमें लगता है ये जो दूसरे पे निर्भरता है जी, निर्भरता ठीक है लेकिन साथ ही साथ अपनी जागरूकता जी और अपनी जिम्मेदारी आत्मनिर्भरता को भी देखना।
सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देने से या किसी व्यक्ति विशेष पे छोड़ देने के से या पदाधिकारी के ऊपर छोड़ देने से जी. या हमारे जो जिले के सीएमओ हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके ऊपर छोड़ देने से समस्या का निवारण नहीं हो जाएगा जी. क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं जी. और उस सफाई का हम इंतजार करें कि नहीं चिकित्सा अधिकारी आदेश देंगे तब यहाँ पे कोई स्वच्छ कर्मी आएगा तब जाके साफ करेगा जी. लेकिन माननीय मोदी जी ने एक अभियान चलाया था स्वच्छता का जी. और उन्होंने जब स्वयं झाड़ू पकड़ी जी. उसके बाद में पूरे देश भर में एक लहर चल पड़ी जी. कि कोई बाथरूम साफ कर रहा है जी. कोई जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें भी सफाई कर रहा है कोई जी. स्कूल कॉलेज है जी. उसमें टीचर प्रिंसिपल यहाँ तक कि वीसी जी. और प्रॉक्टर सफाई करते हुए देखे गए. फोटोएं वायरल हुई जी. तमाम सारी फोटो पेपर अखबारों में छपी जी. और इसको बहुत सराहा गया जी. तो ये शुरुआत ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ सिंबॉलिक था. ये शुरुआत इसीलिए थी, माननीय मोदी जी का एक उद्देश्य यही था कि ठीक है हमारे पास सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा कर्मियों को सरकार ने अपॉइंट कर रखा है जी. लेकिन सुरक्षा कर्मी भी कितना काम करते, घंटे दो घंटे सुबह करके चले गए क्योंकि उनकी उतनी ड्यूटी है जी. लेकिन उसके दो घंटे के बाद जस्ट हमने गंदा कर दिया जी. तो वो तो 24 घंटे तक गंदगी जो रहेगी फैलेगी और नुकसान पहुंचाएगी. तो जी. कुछ साझी जिम्मेदारी हम सब लोगों की. एक बात और है कि देखिए कि जहां तक बात सरकार की है जी. तो सरकार के जहां पे एमएलए हैं, सरकार के जहां पर सांसद हैं, एमपी हैं, तो विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जो भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. कहीं पर वो दिल्ली को लेकर के हो, राजस्थान को लेकर के हो, पंजाब को लेकर के हो, अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जो भी हमारे वहां पर विधायक है, तो जो हमारे विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी साझी जिम्मेदारी है. इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 300 के ऊपर जो जितने भी अन्य पार्टियों के जो एमएलए हैं, तो उनकी भी इतनी जिम्मेदारी है. और जो मंत्री विधायक सांसद नहीं है, जो आम जनता है, उसकी भी स्वच्छता को लेकर के बराबर की जिम्मेदारी है. अच्छा. लेकिन जब जब ये होता है हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब तब समस्याएं विकराल रूप ले लेती. जी. अब देखिए जैसे कोरोना जैसी महामारी आई जी. लेकिन जब उसमें साझी भागीदारी हुई कि आप सरकार के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रहिए कि नहीं, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चीजें सही रहेंगी जी. और लॉकडाउन जो ही हटा फिर आप ना मास्क लगाएंगे, आप ट्रिपलिंग करके भी चलेंगे, आप गाड़ियों में एकदम पास पास बैठेंगे, तो समस्या विकराल रूप लेगी जी. फिर सरकार को उसपे भी सख्ती करनी पड़ी जी. बाद में ये सरकार ने 4 लाख से ज्यादा जो मुकदमे इस तरीके के थे सरकार ने खत्म किए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ये नहीं था किसी को प्रताड़ित करना. सरकार का उद्देश्य ये था कि ये जो लाइन ऑर्डर की समस्या है ये कैसे मेंटेन हो और कोरोना ऐसी महामारी से कैसे लड़ा जाए. इसलिए उस समय चालान किए गए, उस समय सख्ती की गई. लेकिन जब ये महामारी खत्म होने की कगार पे आ गई तब ये 4 लाख मुकदमे सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिए, जो इस तरीके के ट्रिपलिंग को लेकर के या गाड़ी में जो ठूस करके लोग भरे हुए थे या 4-व्हीलर में 10-10 आदमी बैठे 5 आदमी की संख्या में, तो उनपे इसीलिए किया गया जिससे कि महामारी ना फैले. लेकिन जब साझी जिम्मेदारी जनता ने समझी तो आज देखिए कोरोना बिल्कुल शून्य के हिसाब से जी. कुछ 2-4-5 केसेज है, वेरिएंट आया उससे भी हम लोग लड़ रहे हैं, उससे भी हम लोग सफल हो गए, तमाम सारे वेरिएंट बदल बदल करके आए. तो देखिए चुनाव अलग चीज है लेकिन जहां तक आम जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के चुनाव इसीलिए होते हैं कि सरकार किसी की भी बने लेकिन वो जनता की समस्या के निवारण के लिए होती है. जी? लेकिन जनता की समस्या का निवारण बिना जनता के सहयोग से कोई भी सरकार सिर्फ नहीं कर सकती. केसी जी, मेरा मेरा कहना एक बात और है कि जैसे हम चुनाव में पूरी रणनीति के साथ जाते हैं और प्रचारक भी देखते हैं और पूरा वहाँ पर तैयारियां बहुत पुख्ता करते हैं, क्या ऐसी कुछ तैयारी जनता के लिए नहीं कर सकते, रोगों से लड़ने के लिए या उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए? देखिए आपका जी, जी. बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है जी. देखिए तमाम सारी बातें ऐसी भी होती हैं गौरव जी कि कई बार क्या होता है कि जानकारी का अभाव होता है. अच्छा. और सरकार उस जानकारी देने के लिए सब तरीके के इंतजाम करती है. हाँ. लेकिन कुछ लोग स्वयं जागरूक होना नहीं चाहते, कुछ लोग उसको लिंगर ऑन करते हैं कि भाई वैक्सीन है आज नहीं हम अगले महीने लगवा लेंगे, अगले महीने लगवा लेंगे, अगले महीने लगवा लेंगे. उस चक्कर में भी काफी समस्याएं आती हैं. ठीक. तो जो फुल प्रूफ सिस्टम की आपने बात की तो संचारी रोग संक्रमण नियंत्रण के लिए सरकार बरसात के टाइम पे जिस समय मानसून आता है उस समय रोग ज्यादा फैलते हैं, तो संचारी रोग नियंत्रण के लिए पूरी टीमें गांव गांव जाती हैं, पूरी टीमें काम करती हैं. शहर में जो
डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को भी लेकर के गांव में भेजा जाता है उनको। साथ ही साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें भी सुविधाएं अतिरिक्त दी जाती हैं। अब देखिए जो टीकाकरण की व्यवस्था है वो परमानेंट सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में है। एएनएम जो होती है वो गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती है। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें वो चाहे आयरन की गोलियां हों या इस तरीके की और सुविधाएं हों उनको लेकर के भी जागरूकता भी फैलाई जाती है, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई भी जाती है ग्राम प्रधान के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, और उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिले स्तर पर। ठीक है, सरकार लगातार इन चीजों का प्रचार प्रसार करती है कि रोगों से आप कैसे बचे। ठीक है, और उनके लिए कैंप भी लगाती है समय समय पर कि कैंप के द्वारा आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जोशी जी भाई, आप 111 विधायक आपके भी है, जनता ने प्रतिनिधि आपको बनाया है, अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार वहाँ तक पहुँचने में दिक्कतें आ रही, रणनीति बनाई है पर अगर कुछ कमी रह जा रही है, तो उस कमी को एज ए प्रतिनिधि, एज ए विपक्ष क्या पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या केवल सरकार पर पिस्ट उठाना बहुत आसान है? थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए भाई, जनता आपकी भी है, आपको 111 विधायक दिए हैं आपकी पार्टी को, ठीक है सरकार में नहीं आए, पर थोड़ी थोड़ी आरोप प्रत्यारोप चुनावी मोड छोड़ के थोड़ा थोड़ा जनता पर ध्यान देने भाई, डेंगू फैल रहा है, तमाम बीमारी फैल रही है, थोड़ा कंधे से कंधा मिला के आप भी चलिए, इतनी उम्मीद अगर खैर सरकार करे ना करे पर जनता तो करती है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो गौरव जी आपको और आपके जो चैनल प्राइम टीवी को जी मैं बधाई देना चाहता हूँ, इतनी हेल्दी बहस मुझे लगातार जी आप जैसे चैनलों में बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन जन सरोकार के मुद्दों से दूर आज हमारा मीडिया भी उठता जा रहा है और आपने एक सुंदर पहल करी है, पहले तो इसके लिए आप बधाई के और साधुवाद के पात्र, मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद। अब मैं शुरू करना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के पहले अभिभाषण पे, मैं जाना चाहता हूँ जब वो विपक्ष के नेता बने जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार को समर्थन करेंगे और जो जन आक्रोश होगा, जिनमें जनता का अहित होगा, उसमें टकराव होगा और बिल्कुल उसमें हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे मैं आप देखिए जब विधानसभा का आपने देखा होगा कि ई विधानसभा हो गई, यानी कि जो विधानसभा हाईटेक हो गई, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर सदन में तारीफ होने का काम करा कि सरकार का ये अच्छा कदम है और लगातार उन्होंने उसको बधाई देने का काम करा कि हमारी जो विधानसभा है वो ई विधानसभा होने से अब हमारे जो विधायक है या जो हमारी कार्य प्रणाली है वो भी नए तौर पे आ जाएगी, तो ये काम का सराहना करने के काम करी। अब निश्चित तौर पे आ जाइए, अब जो जो इनकी कमियां है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लगातार युवाओं के भविष्य से खेल रही है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफिया लगातार उसपे लीक हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसपे लगातार समाजवादी पार्टी, मैं आपके चैनल में खुद कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, और हमारी पार्टी लगातार उस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है। जो शासन प्रशासन की स्थिति है, आप इनके चाहे आप ये देखिए लल्लू मॉल की घटना हो, कानपुर की घटना हो, इनका इंटेलिजेंस, इनका एडमिशन फेल है, हमने उसमें करा कि नहीं, अब आ जाइए कोरोना काल में, आ जाइए कोरोना काल में क्या आदरणीय डिंपल यादव जी अपने परिवार के साथ सड़कों पर लोगों की मदद करते हुए पूरे देश और प्रदेश ने देखा कि नहीं देखा? निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी जन सरोकार के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करेगी, चाहे वो हेट पॉलिटिक्स हो, हमारा ये मानना है विकास, क्योंकि सद्भाव की बात होती है, आप एक सद्भाव समीक्षा करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, आपके जीवन आपके विधायक आपने विधानसभा क्षेत्रों में समीक्षा करेंगे कि संक्रामक रोग की स्थिति क्या है, कितने मरीज हैं, कितनी समस्या है, दवाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये कोई खाका प्रस्तुत करेंगे कि केवल चुनावी मोड में रहेगा जाएगा, ये उम्मीद कर सकते ना आपसे? देखिए चुनावी मोड में तो आपको मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हम लोग तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का एक ही मोड है, वो है जनसेवा का मोड। निश्चित तौर पे हमारे जो विधायक है अपनी लगातार क्षेत्रों में संपर्क में रहते हैं, और ये डेंगू की समस्या जो आपने भी बताई पूरे चैनलों में पूरा प्रदेश और देश देख भी पा रहा है, तो डेंगू की समस्या अभी अभी इस समय अवतरित हुई है। निश्चित तौर पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने बहुत, मैं कहना चाहता हूँ इनके स्वास्थ्य मंत्री ने जगह जगह जाके छापे मारे हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि छापा मारी ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, क्या उनको दिशा निर्देशन का कितना अनुपालन हुआ
व्यवस्था को दुरुस्त भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ गौरव जी, मैं सराहना कर रहा हूँ अगर वो छापेमारी कर रही है, लेकिन छापेमारी से काम नहीं चलने वाला। छापेमारी के बाद उसका इम्प्लीमेंट कितना अधिकारियों के द्वारा हुआ, उसको जो दिशा निर्देशन दिए उनका कितना पालन हो पाया, इस दिशा में कोई काम नहीं हो पा रहा। और लगातार जो फुटोवल की स्थिति है मंत्रियों में, बार बार रूस के जैसे कि इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और इनके दिनेश कटिक जी लगातार दिल्ली दरबार में चले जाते हैं, क्षेत्र की जनता को भटकने के लिए छोड़ देते हैं और अपने डिपार्टमेंट में कहते हैं हमारी चलती है। निश्चित तौर पर यह प्रदेश और देश के लिए शुभ संकेत है। समझ गया। हमारे साथ विनोद सिंह भाई बैठे हैं। विनोद भाई, आपने तो बाकोबर दे दिया है रामपुर में और खतौली में और मिखाल से मैनपुरी में। भाई यहाँ पर चुनाव तो नहीं लड़ने वाले, पर थोड़ा सा भारत जुड़ जाता है, राहुल गांधी की 7 सितंबर से चल रही है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जनता ने बहुत कुछ नहीं दिया है, परिणाम बेहतर नहीं है, पर मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते थोड़ा संघर्ष जनता चाहती है। थोड़ा अगर आप इस समय अगर थोड़ा सा मेहनत कर ली जाएगी धरातल पर, थोड़ा जनता के लिए मेहनत कर ली जाएगी, उनकी समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अगर थोड़ा सा कंधा से कंधा मिलाकर सत्ता के साथ चल जाए, थोड़ा बेहतर परिणाम आएंगे, शायद जगह भी बेहतर बनेगी। क्या देखते हैं आप? देखिए, आपकी राय काबिले तारीफ है गौरव जी, और हर उस राय का कांग्रेस पार्टी जी, जो प्रदेश की, देश की जनता की जी, किसी समस्या के समाधान के लिए जी, उसके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जी, उससे आर्थिक विकास के लिए जी, उसे किसी भी प्रकार से अगर सहायता मिलती है, वो आवाज, वो सलाह कहीं से आती है, चाहे आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के माध्यम से आए, किसी राजनीतिक व्यक्ति से आए, किसी स्वतंत्र टिप्पणीकार की तरफ से आए, हम उसको अनुपालन में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ, कुशासन, अनैतिक आचरण, जुमले सबके खिलाफ अगर आर पार की राजनीति लड़ने का काम सैद्धांतिक, वैचारिक, नैतिक, मौलिक तौर पर कर रहा है जी, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं जी। इसको राजनीति से अलग मत देखिए। अब आप राजनीति के साथ ही कह देंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जी, सीटों की बात नहीं है। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, हार जीत लगेगी जी, लेकिन जनता के सवालों को लेके कौन आगे चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख डाल के भारतीय जनता पार्टी को सवालों पर जनता के लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी, तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चलेगी जी। ये डर जी, जनतंत्र में जनता का डर जी, जनता के सवालों को जवाब देना इनकी मजबूरी है, इनकी जिम्मेदारी है जी। ये भाव अगर हुआ है तो राहुल गांधी जी की सक्रियता से। अच्छा, ये अगर आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने जो किए हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, तो उसी से संभव हुआ। नहीं, आज लोकतंत्र के साथ जिस प्रकार से ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, तानाशाही फॉर्मूला लगाने का, ये चलने वाला नहीं है। और देखिए, लगातार राजनैतिक माहौल क्या है, सांगठनिक स्तर पर किस पार्टी की क्या हैसियत है, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाती है, जनता किसको कब क्या बात समझ में आती है और किसको सत्ता के शीर्ष पर बैठाती, वो अलग विषय है जी। आज जैसे उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर बात करिए, डेंगू से आप देखिए, आप कहीं भी निकल जाइए, केसी जैन साहब पता नहीं किस एसी कमरे में और कितने बार मच्छर निरोध दवा का इस्तेमाल करते हैं, इनके यहाँ फॉगिंग वॉगिंग प्रॉपर होती होगी, ये तो नहीं निकलते होंगे सड़कों पर, बड़े नेता हैं पार्टी के, हो रहे थे, लेकिन आप देखिए हर गली हर चौराहे पर डेंगू का जो बवंडर है, जो डेंगू ने कत्लेआम मचा रखा है, जो डेंगू से लोग भयावह हैं, कोई सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था है आपका सुनिए, और जब इनके स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बेचारी करे क्या, एक तरफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश भाजपा का सत्ता संघर्ष, एक तरफ उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इतने सारे सत्ता के केंद्र, सत्ता का संघर्ष, इसमें अगर कोई पेंडुलम बन गया है, कोई सौतेला खड़ा है जिसको कोई नहीं छू रहा है, पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश की हमारी सम्मानित जनता है। आप छू लीजिए, आप छूजिए, सवाल कर रहे हैं जी, आप छूजिए, तो इनसे सवाल करते हैं तो ये डराने का काम करते हैं। ये खबर आपने तो खबर चला दी, आप बताइए उत्तर प्रदेश के कितने
कितनी हिम्मत है चैनलों में जो इस खबर को, इस मुख्य खबर को अपने एजेंडे में, प्रमुख एजेंडे में शामिल कराएं और इस पर बहस करें। जी, ये साहस सब में नहीं होता है, लेकिन जहां भी ऐसे साहस का प्रदर्शन होगा, केसी जैन चाहे जितनी कोशिश कर ले इनकी पार्टी, अच्छा गौरव जी, हम आपके साथ रहेंगे, हम जनता की आवाज बनने का काम करेंगे, हम जनता के सवालों को धार देने का काम करेंगे। अरे जनता के साथ कहा है, आप तो पलायन करने वाली पार्टी है भाई। राहुल गांधी जी वायनाड भाग जाते उत्तर प्रदेश छोड़ करके, आपके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आप है कहा? कोई नेता 500 किलो और जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति में चुनाव ही सब कुछ तय करते हैं कि आपकी योजनाएं कितनी सार्थक है और जनता कितना आपके साथ है। बताइए, आपका खाता नहीं खुलता उत्तर प्रदेश में, देश को बचाना है। अरे खाता खुला था भाई, आरण मिश्रा है तो, आरण मिश्रा है भाई जी, आप ऐसे क्यों? 430 सीटों में से जी दो सीटें, ये एक सीट ले आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या आपको छोड़ दें ऐसे? डेंगू, इसका मतलब डेंगू से, डेंगू की डेंगू की समस्या को लेकर के जैन साहब, ये सत्ता का अहंकार है आपका और जनता देख रही है। सत्ता का अहंकार नहीं, सत्ता का साथ है जी, उत्तर प्रदेश का साथ जनता को मिल रहा है, देख रही है डेंगू के लिए जिस प्रकार से। देखिए, मैंने सिर्फ डेंगू की बात नहीं की है जी, और हमें लगता है राहुल जी का जो उद्देश्य था जी, गौरव जी का उद्देश्य बड़ा था, जिससे सार्वभौमिक बहस चाह रहे थे ये, इलाज के अभाव में देश को लेकर के उन्होंने चर्चा की। अरे मैं तो, लेकिन आपने उसको दवाई की, आपने उसको केंद्रीकृत किया, नहीं मैं तो सबको, मैं सबको कह रहा हूँ भाई, आपको आप उसमें कांग्रेस पार्टी की सीटें दिखाएंगे, मैं तो सबको कह रहा हूँ यहाँ पर किसी भाई, मैं तो कह रहा हूँ सरकार मेहनत कर रही है, अगर थोड़ा सहयोग विपक्ष भी कर दे भाई, वो भी जनता के प्रतिनिधि है। नहीं, जनता के सवालों से आपको इतना गौरव जी का जो उद्देश्य था जी, तो ये बड़ा बड़ा वोट के उद्देश्य लेकर के चले थे जी, पूरे देश की बात उन्होंने की, और साथ ही साथ सिर्फ डेंगू की नहीं, अच्छा जो संचारी रोग है, जो संक्रमण रोग है, उनको लेकर उन्होंने बात की। ये बताइए, आप डेंगू को लेकर के चर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए डेंगू को लेकर के आप किससे हाथ मिला सकते हैं? हॉस्पिटलों में कितने बेड पड़े हुए हैं? सब चीजें पे हो रहा है, दवा का फॉर्मूला पे जो भी मरीज होता है, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पे, अगर किसी मरीज को कहीं पे इधर उधर की बात मत करें, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है सरकारी खर्चे से। माननीय उप मुख्यमंत्री बताए इन्होंने क्या कैसी भाई, वरुण भाई बोल रहे हैं, आपने डेंगू को रोकने के लिए क्या प्रयास किए, पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए इनको प्रयास। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ जी, चाहे लार्वा नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव हो, चाहे डेंगू के लिए दवा का छिड़काव हो, या हॉस्पिटलों में व्यवस्था करने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करने की हो, या प्राथमिक उपचार को लेकर के हो, या नोडल अधिकारियों के द्वारा नंबर जारी किया जगह जगह पर जाकर के वहाँ पर छापेमारी करनी हो, और उसके साथ साथ जो है टोल फ्री नंबर जारी किया, और उससे भी सारी सहायता ले सकते हैं, तो सरकार लगातार ऐसा रही है, सरकार की आवाज़। ठीक है आ गई बात बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बृजेश पाठक जी जगह जगह दौरा कर आगे बात आ गई, एक जिले में जा रहे हैं, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है और मेहमान भी है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दोबारा मुद्दा लेता, दोबारा उसको बात लेने आऊंगा आपकी बात। इमरान भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था मनोज भाई की बात पे और केसी भाई की बात पे भाई, और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कमियाँ वहाँ भी हैं, दिल्ली में भी, गंगा यमुना जी आज भी साफ नहीं हो पाई, प्रदूषण का स्तर आज भी बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर स्कूल बंद करने पड़ गए, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से चुनावी मोड से निकलकर हमारी पार्टी को ही बाहर आना पड़ेगा। अच्छा कर रही है, दिल्ली में भाई तीसरी सरकार बनाई है, पंजाब में बाद में विधानसभा सीट जीत के सरकार बनाई है, गुजरात में बड़ी मेहनत से लड़ने डाली है, अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत इस सुरूर से निकलकर जनता की तरफ भी देखना पड़ेगा, केवल गारंटी देने से काम नहीं चलने वाला, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने काम को और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया। जिस बिजली पर कभी राजनीति में बात नहीं होती थी, चुनावों पर बात नहीं होती थी, जिस शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर कभी बात नहीं होती थी, आप हम देखते थे नहीं टीवी चैनल्स पर, जब चुनाव आता था तो कहीं मंदिर की बात होती थी, कहीं मस्जिद की बात होती थी, कहीं कब्रिस्तान की बात होती थी, कहीं शमशान की बात होती थी, कहीं जात की बात होती थी, कहीं अगड़े पिछड़े की बात होती थी, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं होती थी। कम से कम पूरे देश को, आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए
कि आज जब चुनाव आता है तो स्कूलों पर बात होती है, अस्पतालों पर बात होती है, बिजली पर बात होती है, पानी पर बात होती है, बीमारियों पर बात होती है। ये आम आदमी पार्टी का राजनीति में जब से वजूद हुआ है तब से बड़ा बदलाव आया है हिंदुस्तान की सियासत में। दूसरी बात, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है कमियां रह जाती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे किया जाता है, एक उदाहरण ले रहा हूं, डेंगू पे तमाम चर्चा हुई। दिल्ली में जब 2021 था तो 9000 से ज्यादा मामले डेंगू के आए थे, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया था। और इस बार जब दिल्ली का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है, 48 मामले अब तक आए हैं डेंगू के। तो ये होता है कि हम इस जो चुनौती हमको मिलती है उसको हम स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं। जिस तरीके से डेंगू से लड़ने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लड़ाई लड़ी तो आज उस पर कामयाबी मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी एक छोटी सी कहानी 30 सेकंड में सुना के करता हूं। एक बार एक जंगल था, उसमें एक बंदर को वहां का राजा बना दिया गया। अच्छा। और एक शेर आया, उसने एक खरगोश को उठाकर लेकर भाग गया। बंदर सारे इकट्ठा हुए और छोटे जानवर इकट्ठा हुए, बंदर के पास गए कि भाई वो खरगोश का बच्चा जो है एक शेर उठाकर लेके गया है, आप इसको पकड़ के लाइए। अरे चुप रहिए भाई जैन साहब, जिन जाए इलू इलू कांग्रेस के साथ खेलते हैं, आम आदमी पार्टी बंद करिए। सुनिए अभी पूरी बात सुन लीजिए, बेचैनी देखिए आ गई ना। अब हुआ क्या, अब ये समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, उसके बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा है, इस डाल से उस डाल पे जा रहा है, इस डाल से उस डाल पे जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भैया अरे बच्चे को कब पकड़ के लाएंगे, कब छुड़ाएंगे उसे, तो कहते हैं हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो बताइए। यही प्रदेश पाठक जी कर रहे हैं, ये इस ये कैसे चुटकुला सुना रही आप, ये दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, मैं बहुत संवेदनशील रख रहा हूँ। जो मजदूर दिल्ली के क्या कर पाए, जब से प्रदेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से दौड़ रहे हैं अस्पताल 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 दौड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन डेंगू जैसी छोटी सी बीमारी से नहीं लड़ पाए। क्या तैयारी की थी दौड़ के, क्या दौड़ धूप मचा के रखी थी, ये बंदर वाली दौड़ दौड़ ही तो थी। क्या परिवार को भगा दे पा रहे हैं, सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तमाम मित्रों ने बात रखी, उत्तर प्रदेश के अंदर आपस में दूसर पैदा चल रही है, विधायक विधायक से भिड़ रहा है, मंत्री मंत्री से भिड़ रहा है, डिप्टी सीएम सीएम की नहीं सुन रहा है, सीएम डिप्टी सीएम की नहीं सुन रहा है। यहाँ तो अंदर पूरा पूरा महाभारत मचा हुआ है, ये प्रदेश क्या चलाएंगे, ये मुद्दों पर क्या बात करेंगे, मुद्दों पर क्या काम करेंगे, आपस में पहले निपट रहे हैं, डेंगू से लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ने में मस्त है, आपस में लड़ने में व्यस्त है, ये डेंगू से नहीं लड़ पाएंगे, ये खराब स्कूल शिक्षा व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे, खराब बिजली व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज गुजरात में ये 27 साल तक इन्होंने शासन किया, आज क्या हुआ, कांग्रेस और भाजपा इलू इलू खेल रहे थे, अब जनता को वहां विकल्प मिला आम आदमी पार्टी का, दोनों बेचैन घूम रहे हैं। अब गुजरात से इनको उखाड़ के फेंकने जा रही है आम आदमी पार्टी, पंजाब से इनकी प्रेमिका जो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंका, दिल्ली से दोनों को उखाड़ कर फेंका, गुजरात से इनको उखाड़ कर फेंकने जा रहे हैं। यही बेचैनी है जैन साहब की, अब आम आदमी पार्टी पर मेरा इलू इलू का खेल है, उसको पर्दाफाश करने का मेरा एक सवाल, भाजपा को भी हरा रही है, कांग्रेस को भी हरा रही है, तो एक तीसरा विकल्प देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी के रूप में आ चुका है, जो मंदिर राजनीति नहीं करेगा। इमरान भाई, जो मुद्दों की राजनीति, इमरान मेरा आज का सवाल जो था, मेरा एक कहना ये था, मैंने सवाल के दोहरे पक्ष में रखे थे कि अगर सत्ता पक्ष की द्वारा कोई कमी रह जा रही है तो क्या जनता के प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, हर जगह संगठन है, आपके अध्यक्ष भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या थोड़ी बागडोर अगर कुछ कहीं कमी रह जा रही है तो क्या आम आदमी पार्टी को नहीं संभालनी चाहिए? क्या जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, क्या जिम्मेदारी अन्य पार्टियों की नहीं है? मेरा एक मुद्दा ये भी है आज का। बहुत शानदार सवाल आपने किया, और आम आदमी पार्टी ने जब से डेंगू की आहट उत्तर प्रदेश के अंदर आई, आम आदमी पार्टी के संगठन की तरफ से एक अभियान चलाया गया कि आम आदमी पार्टी ने गंदगी हटाओ, डेंगू भगाओ की यात्रा निकाली पूरे प्रदेश के अंदर, नगर निकायों में गली गली मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू लेकर निकले, उन्होंने नालियों की सफाई की, गलियों की सफाई की। हमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझा, नदियों का मामला आपने देखा, माननीय संजय सिंह जी हर रविवार को निकलते हैं, उनके साथ हम लोग भी सारे कार्यकर्ता निकलते हैं प्रदेश भर के अंदर नदियों की सफाई करते हैं। हम अपनी सामाजिक दायित्वों को भी समझ रहे हैं, नैतिक दायित्वों को भी समझ रहे हैं, तो राजनीति करने के साथ साथ जमीन पर भी साफ सफाई करने का काम हम कर रहे हैं। एक झाड़ू भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर चला रहे हैं, दूसरा झाड़ू जो है वो जमीन पर भी काम कर रहे हैं। अभी बात लेता हूं आपकी, हमारे साथ अजय कुमार श्रीवास्तव विश्लेषक रूप में बैठे हुए हैं,
अजय भाई, राजनीति तो आपने समझ ली है कि राजनीति क्या स्थिति है। मुद्दा यहाँ पर आपने हमारा समझा कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। भाई उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं विधानसभा में, उनको भी जनता ने भेजा है, कैसे देखते हैं? गौरव भाई आपने स्टार्टिंग बड़ी अच्छी ली थी जी, लेकिन बाद में धीरे से क्या किया आपने जी, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी। बिल्कुल, मतलब आपने भाजपा की जिम्मेदारी, सपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, जनता की भी जिम्मेदारी तय कर दी। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदार हैं जी। तो फिर सरकार की जरूरत क्या है जी, जनप्रतिनिधियों की क्या जरूरत है? अपना अपना करके बैठे, अपना अपना घर ठीक करें जी, मच्छर भगाएं जी। सरकार की जिम्मेदारी हमेशा रहेगी जी, और इसको इनको मानना पड़ेगा जी। बिल्कुल। रही बात जो चुनाव से लेकर के जब ये जो राजनीति का जी व्यवसायीकरण हो गया है, आप ये समझिए कि वेरी फर्स्ट डे पहले दिन से ही जी आप छोटा चुनाव पार्षदी का होने जा रहा है जी, पार्षदी के चुनाव में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा, यानी जो आदमी पार्षदी लड़ने जा रहा है जी, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक दुकान खोलने जा रहा है। अच्छा, ठीक है कि हम इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आप चले जाइए आज भी गलियों मोहल्लों में जी, जिम्मेदारी इनकी कैसे नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है जी। बिल्कुल, हर साल डेंगू आता है, हर साल मलेरिया फैलता है जी, हर साल बाढ़ आता है जी, तो आप पहले क्यों नहीं तैयारी करते हैं जी? ये कौन तैयारी करेगा जी? हमने चुन के दिया, सरकार को दिया, आपके पास तमाम अधिकारी हैं जी, आईएएस से लेके पीसीएस तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनको आप तनख्वाह किस बात की बांटते हैं जी? जनता की जिम्मेदारी अपने आप को बचाने के लिए, तो फिर आपकी जरूरत क्या है जी? आज डेंगू से लोग तबाह हैं, कराह रहे हैं इधर उधर अस्पतालों में जी, किसी को प्लेटलेट की जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है जी। अभी पीछे बाढ़ देखे गया जी, बाढ़ में भी क्या हुआ, जब बाढ़ बहने लगा तब पहुंच रहे हैं कि कटान हो रही है, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा जी। अरे ये हर साल होता है भाई जी। और व्यवसायीकरण जो हो गया राजनीति का जी, खरीदने के लिए, विधायक खरीदने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ आ जाएंगे जी, लेकिन हमारे लिए कोई योजना लानी होगी तो पैसा नहीं रहेगा जी। आज आप सोचिए, असंगठित क्षेत्र से जो कारोबार होता था, जिसको लोग खाते थीते थे, रोज कमाने खाने वालों की स्थिति क्या है आज की डेट में? अगर ये अन्न बांटना बंद कर दें तभी इनके इनको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। इससे कागजों में जाना और जमीनी हकीकत दोनों में बहुत अंतर होता है, और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। इससे नेता भाजपा जैन साहब भाग नहीं सकते जी, कि आप सपा पे डाल दीजिए, आप कांग्रेस पे डाल दीजिए, आप आम आदमी पार्टी पे डाल दीजिए। अरे भाई, आपको सरकार मिली है, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका अपना काम होगा, विपक्ष का काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार के ही जलिए से सब चलते हैं। आज आप विरोध करने चले जाइए, बैठ जाइए, आपको डंडा मार के बिठा दिया जाएगा जी। हम लोग भी समाज में लड़े हैं जी, डंडा भी खाए हैं जी। अब आप डंडा खाए नहीं जाएंगे, आप सीधे जेल चले जाएंगे जी। यही गांधी प्रतिमा पे मैं कई बार बैठा हूँ जी, तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जी। लेकिन तब सुना जाता था, तब लोकतंत्र जिंदा था, अब लोकतंत्र जिंदा नहीं है। ये सुने या ना सुने जी, जैन साहब ये बात हकीकत है जी, कि आज की लड़ाई अगर मेरे मोहल्ले की भी है, सुबह कूड़ा नहीं फेंका जा रहा है, मैं पार्षद के पास जाता हूँ, पार्षद बदतमीजी से बात करता है जी, कि मेरे पास संसाधन नहीं है, जो हो रहा है 8 बजे हो जाएगा जी, उसके पहले चाहे मच्छर काटे, चाहे जो करे, ये मेरी जिम्मेदारी है जी, कि मैं आम नागरिक हूँ और मैं अपनी सफाई व्यवस्था करूंगा। फिर आपकी क्या, आपका क्या काम है, आपकी क्या जरूरत है? आप जाइए अपने घर बैठिए, छोड़ दीजिए इन सब चीजों को जी। आपको तो सिर्फ एक दिखता चुनाव दिख रहा है कि यहाँ का चुनाव जीत लें, वहां का चुनाव जीत लें, वो जीत लें, वो जीत लें। अरे भाई, जो चीज हार के हर साल सामने, हर साल आता है, हर साल ये परेशानी आती है, तो आप पहले से क्यों नहीं अभियान चलाते हैं कि भाई पानी मत रोको, पानी हटाओ, मच्छर ना पलने पाए, नालियां साफ हो जाएं। ये आपके पास योजना है, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, आपके पास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है, ये सब क्या कर रहे हैं? सब बैठ के कमीशन खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा कोई चीज है बची? तो ये दुखद है गौरव जी, जी ये दुखद है। देखिए गौरव जी, जी बोलिए, आपके पास ये आदरणीय श्रीवास्तव जी ने जो समीक्षा की जी, हाँ बोलिए, मैं इस पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, करिए जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो जिम्मेदारी का एहसास श्रीवास्तव जी करा रहे हैं, अगर ये सारा काम जी सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी जी, सरकार के साथ शासन में बैठे हुए अधिकारी जी, और सिस्टम में बैठे हुए जो अन्य जी पदाधिकारी, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं जी, तो आपका क्या कहीं पे कांग्रेस का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? अच्छा, मैं जब कहने जाऊंगा पार्टी और सरकार के लोग ना, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, तो आकर के वहाँ पे आपको पोछा करते नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी बात आप कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 2 मिनट अगर भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, निर्वहन भारतीय जनता पार्टी
और हर एक जिले में, हर एक जिले में जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिले के डीएम को मुख्य नोडल अधिकारी बनाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है। और साथ ही साथ समझिए, समझिए, सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी एक बात प्रैक्टिकल हो जाएगी, प्रैक्टिकल सुन लीजिए, विश्व बचाओ अमेरिका भी बच्चा है, प्रैक्टिकल बात सुनिए, अमेरिका भी बच्चा है, प्रैक्टिकल बात सुनिए भैया, 15 तारीख का गड्ढा मुक्त कर रहे हैं पूरे प्रदेश को, प्रैक्टिकल बात सुनिए, जैन साहब आप सुन, प्रैक्टिकल बात सुनिए, प्रैक्टिकल जो जमीन पे है, जमीन यहां नहीं हो रही, आप पूरी पार्टी पूरी सरकार की हो रही है। अगर आप मैं अपना व्यक्तिगत पीड़ा रख सकते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है मेरी, व्यक्तिगत बात हो सकती है, पीड़ा नहीं है, समीक्षक के रूप में बैठ रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, समीक्षा के रूप में बात रखनी चाहिए, यहाँ समीक्षा ही बता रहा हूँ, चलेगा ये समीक्षा ही बता रहा हूँ आपको, बार लेता हूँ, ये चीज समीक्षा ही है, आम आदमी की शादी की जिम्मेदारी को आप नहीं नकार सकते, आप समीक्षा सुनना नहीं चाह रहे, आम आदमी की शादी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, एक बात केवल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कूड़े का ढेर, मेरी एक बात केवल, एक बात का जवाब दे दीजिए, आपकी जिम्मेदारी, एक बात का केवल डालिए, वाला आता है कूड़े की गाड़ी में, मेरी एक बात का बात, मैं अगर नगर आयुक्त के पास जाता हूँ बात करने, और अगर जैन साहब नगर आयुक्त के पास जाते हैं बात करने, किसकी बात नगर आयुक्त सुनेगा, पहले हमको खाली एक बात बता दीजिए आप, या ये प्रोफेसर भुवन भास्कर जी जाते हैं इनकी बात सुनेंगे, या विनोद सिंह जी की बात सुनेंगे, इमरान साहब की बात सुनेंगे, अगर नगर आयुक्त आपकी बात सुनता है या मेरी बात सुनता है, यही मुझे बता दीजिए, हमारे साथ विवेक शर्मा, ठीक है, समीक्षक के रूप में जिस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है, जिम्मेदारी को समीक्षक के रूप में नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर आप अपने घर के बाहर कूड़ा लगाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है वो, ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि हम कूड़ा वहां ना फेंके, जी ठीक है, उसको ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ विवेक शर्मा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, और मेहमान भी, और मेहमान भी है हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ विवेक, हमारे साथ विवेक शर्मा समाज सेवी रूप में बैठे हैं, विवेक भाई, भाई जैन साहब को कहना सीधा सीधा है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो थोड़ी जिम्मेदारी जनता की भी है, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अगर आपके पास और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी बात कैसे सुनेंगे और जैन साहब की बात कैसे सुनेंगे, यहाँ पर एक बात और भी है कि जनता ने जहां जहां प्रतिनिधि बनाए हैं, भाई सबसे छोटा जो होता है वो तो पार्षद होता है, सपा के भी है, भाजपा के भी है, कांग्रेस के भी है, बसपा के भी है, आपके भी है, सबके पार्षद हैं, अगर पार्षद है तो थोड़ी जिम्मेदारी पार्षदों को भी निभानी चाहिए, और यहाँ पर पार्टी का मतलब नहीं है, क्योंकि पार्षदी चुनाव जो होता है वो मोहल्ले का चुनाव होता है, अगर मोहल्ले को बेहतर करना है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले सभासद की है, और सभासद किसी भी पार्टी का हो उसको अपना काम करना चाहिए, कमी यहाँ पर उस पार्षद की भी है, और कहीं ना कहीं अगर कमी हो रही है तो बेहतर करने का प्रयास करना जरूरी है, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए गौरव जी, बहुत अच्छी बात रखी है आपने जी, जनप्रतिनिधि किसके लिए होता, इसीलिए होता भाई, इसीलिए होता है जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ही गायब है, प्रतिदिन आप देखिए चुनाव वोट मांगने आए कि तो अरे गायब कर दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, अभी आप रोज पेपर पढ़िए, केवल दो ही लोग दिखाई देते हैं, या तो योगी जी जी या हमारे पाठक जी, अच्छा इसके अलावा कौन जनप्रतिनिधि लखनऊ शहर का, अच्छा आपको पेपर में दिखाई देता है कि उसने वहाँ फॉगिंग कराई जी, वहाँ साफ सफाई कराई, रीजन क्या है, लखनऊ के मेयर भी जा रही हैं, देखते रहते उनको, नहीं मेयर साहब जा रही हैं, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से सफाई हो जाती है, बीबीआईपी एरियो में दौरा चल रहा है, अभी नहीं आई है, जानकीपुरम में लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, आपने भी उसमें मदद किया था, तब तो जाकर वहाँ पर छिड़काव चालू किया जी, अभी तक फॉगिंग नहीं हुई, अच्छा ठीक है, सरकार काम करा रही है लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जैन साहब ने सही कहा जी, लेकिन समीक्षा कौन करेगा जी, हम तो नहीं करेंगे, जनता तो नहीं करेगी, जनता तो बता रही है, जनप्रतिनिधि क्यों सो रहे हैं, क्यों गायब हो गए अपने क्षेत्र से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने के लिए ही आता है, इसके अलावा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अभी चुनावी दौर चल रहा है, सारे जनप्रतिनिधि केवल और केवल टिकट बंटवाने का, दिलवाने का ठेका लेकर बैठे हुए हैं, हर आदमी उनके पास जा रहा है, चरण वंदना कर रहा है, बाकी उनको डेंगू से कोई पीड़ित हो, कोई किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हो, कहीं पर कोई फॉगिंग करानी हो, कहीं कुछ उनको कोई और काम कराना हो, उसके लिए नहीं जा रहे हैं, उसके लिए मिल ही नहीं पा रहे जी, ऐसा क्यों जी, आम जनता टैक्स किसको देती है जी, आप जिम्मेदारियां आपस में बैठ के तय करें, हमें मतलब नहीं है, आम जनता है हम जी, हमें आपसे ही भाई जैन साहब जैसा आपने अभी कहा समीक्षक से तो आप कह सकते हैं, लेकिन आम जनता से क्या बोलेंगे, आम जनता किसको टैक्स देती है, नगर निगम को टैक्स देती है, क्यों नहीं सुनता नगर निगम, क्यों नहीं सुनता लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्यों नहीं सुनता पीडब्ल्यूडी, क्यों नहीं सुनता, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, किसकी जिम्मेदारी, केवल एक अधिकारी है यहाँ पर जो दबंगाई से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, वो है रोशन जैकब जी, मंडल
मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूं और वो जिस तरीके से काम कर रही है, क्या और कोई अधिकारी कर रहा है? जी। कोई अधिकारी नहीं कर रहा जी। कोई जनप्रतिनिधि निकल कर आता है जिस जगह पर रोशन जैकब जी का दौरा होता है उस जगह पर जनप्रतिनिधि जाकर फोटो खिंचवाने का काम जरूर करते हैं कि हमने उनको बुलवाया, चाहे वो पूर्वी में हो चाहे वो उत्तरी में हो। पूर्वी विधायक तो गायब ही हो गए हैं, पूर्वी विधायक तो दिखाई भी नहीं देते कि कहाँ हैं, केवल वोट मांगने आएंगे। अभी चुनावी दौर चल रहा है तो सबको फोन कर रहे हैं कि भाई वोट दे देना हमारे कैंडिडेट को। अच्छा अच्छा, केवल इतना काम चल रहा है। वही उत्तरी विधायक कर रहे हैं, मध्य के विधायक का पता नहीं है, केवल एक कैंट विधायक है वो भी मंत्री है पाठक जी, जो जगह जगह आपको प्रतिदिन हर चैनल पर भी दिखाई देते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, भले ही वो अधिकारी उनकी बात के समय बहुत मदद की। जी 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 जी, जैसे दिव्यांग को अभी स्ट्रेचर नहीं मिला था बेचारा, बहुत मेहनत की उन्होंने। जी 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 जी, लेकिन सब चीजें ठीक है, ये अधिकारी कब सुधरेंगे? इनका क्यों नहीं आप समीक्षा करते? इनके लिए नेता क्यों नहीं निकलते? चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आपके हो, चाहे वो आपके भाजपा के हो, ये लोग क्यों नहीं उनका एनालिसिस करते? वो लोग क्यों नहीं निकलते? वो लोग क्यों अपने वातानुकूलित कमरे में बैठे रहते हैं? क्यों बाहर नहीं निकलते? और जब आते हैं तो केवल एक आस बधा के चले जाते हैं। अच्छा। अभी कली का मामला है, 80 साल की बुजुर्ग फंस गई थी लिफ्ट में जी, अपने बेटे के साथ। गनीमत थी कि उनका बेटा साथ में था, हार्ट पेशेंट थी, आज ही सुबह पेपर में भी आया है। जी। कौन वहां पर जनप्रतिनिधि आगे आया? जी। उन्होंने मुझसे ही मदद की गुहार लगाई। जी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो बीसी साहब हैं, वो इतने अब व्यस्त हो गए हैं कि वो आम जनता का फोन रिसीव नहीं करते, उनका केवल पीए रिसीव करता है। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? क्यों नहीं सुनवाई करते? जो समस्याएं होती है क्यों नहीं किया जाता? भाई सरकार उनको, हम टैक्स देते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमने सारा टैक्स, भाई हमारा पैसा है, उसी से इनका खर्चा चलता है, उसी से इनकी तनख्वाह दी जाती है, तो ये हमारे लिए नौकरी क्यों नहीं करते? ये हमारे नौकर हैं, ये केवल और केवल सरकार के नौकर बनकर बैठे हुए हैं। आपको कहीं जहां पर भी आप देखिए बीबीआईपी ट्रीटमेंट में सबसे आगे दिखाई दे जाएंगे, फोटो खिंचवाने में सबसे आगे दिखाई देंगे, इधर क्षेत्र में क्यों नहीं आते? क्या कारण है भाई? जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि की, क्यों नहीं बुलवाते? जनप्रतिनिधि भी केवल इंतजार करते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उसके संग खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, हाँ बाद में जनता को बताते हैं कि मैंने बुलवाया था। ठीक है, ठीक है। हम किससे कहने जाएं अपनी समस्या को? जैन साहब इसके लिए देखिए, ये मुख्यमंत्री महोदय हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री महोदय की बात कर रहा हूँ जैन साहब, बाकी आपका कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब अपने आप को प्रधानमंत्री समझे हुए हैं जी। उनसे कोई बात कर लीजिए, कोई वार्ता कर लीजिए, उनके पास कोई सुनवाई का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। कैसी कैसी जी, अपनी बात पूरी करिए और दूसरे मेहमानों को लेता हूँ जी। देखिए देखिए, अगर कहीं पे कोई समस्या है जी तो बिल्कुल पीड़ा उभर करके आएगी। और आदरणीय महोदय जो बात कह रहे थे अभी, मैं उनकी बात को इनकार नहीं करता हूँ जी, लेकिन देखिए जहां तक लखनऊ के वीसी की बात है, 40 लाख से ऊपर की आबादी यहां पर है जी। और ऐसे में अगर उनका ओएसडी फोन उठाता है, उनका पीए फोन उठाता है और आपको रिस्पांस करता है जी, तो इस बात की नाराजगी नहीं होनी चाहिए कि जो एलडीए का वीसी है स्वयं बात नहीं करता है जी। जहां तक फोन पे वार्ता की बात, दूसरी बात यह है जी। जी। इसमें जो भी यहाँ पे हमारे हमारे जो भी, मेरी बात बस कम से कई बहुत सारे प्रश्न जवाब सर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जितने भी अपार्टमेंट, जवाब लीजिए। देखिए जहां तक बात है अधिकारियों की, अधिकारियों पे कमांड की, हो सकता है हमें आपको लगता हो कि अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, और लेकिन आपने एक तारीफ भी साथ में की माननीय ब्रजेश पाठक जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जी। तो देखिए होता क्या, हो सकता है मीडिया में चीजें ना आवे या प्रिंट मीडिया में चीजें ना आवे, लेकिन इसलिए उसको ये कह देना कि बाकी जितने जनप्रतिनिधि है वो शून्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए राजनीति में भी है, पेशे से मैं वकील भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और सबसे मिलना जुलना होता है, और तमाम सारे लोगों के लिए हमें भी व्यक्तिगत रूप से भी जाके मिलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी अधिकारी मिलते नहीं है, काम नहीं करते। विरोध भाई कांग्रेस कुछ बोल रहा है, बोलिए बोलिए कैसे बोले विरोध भाई। अच्छा होता सीधे सटीक व्यवहारिक सवालों को अजय जी का और विवेक जी का, केसी जैन साहब ईमानदारी से ठोस जवाब देते जी। वो तो अधिकारियों के प्रवक्ता
बन के अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, गलत है। टिप्पणी बीच में करना ठीक नहीं है, कोई सवाल नहीं है आपका। वो बिल्कुल सही बात कही, आप वो नीतिगत कमी है व्यवस्था में, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बचा है ना, तो आपके लोग बचे हैं, प्रेरित का कारण आपकी यही बात है। मैं ना तो अधिकारी अधिकारियों का प्रवक्ता हूँ, जो सही बात है, अधिकारियों पर कंट्रोल करना मुख्यमंत्री का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भूमिका को पूरा निभा रहे हैं। अब आप ये कह दीजिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि विपक्ष में आप कहेंगे कि वो कोई काम नहीं करने जा रहा है, लेकिन प्रधान व्यवस्था की स्थितियां है, परिचालक है, और लेकिन आप जो उसके प्रवक्ता पार्टी की सकते हैं, साथी जो आपकी राजनीति ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जनता की बात कैसी भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है कैसी भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है कैसी भाई। उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए मुझे आपने जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसमें मुझे निराशा भी है और आपत्ति भी है। क्या कहा भाई, क्या कहा, और रही बात काम की, जनता की आवाज बन के खड़े हो गए, आज कितने ऑक्सीजन के प्लांट है, और रही बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जा रहा है, किसी को भी वापस नहीं किया जा रहा है, किसी को वापस नहीं किया जा रहा है, और अगर बेड फुल है तो पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है केस को, और पूरा खर्चा सरकार। कैसी भाई कैसी भाई सुन लीजिए, कैसी जी सुन लीजिए, मैं मेरा कहना यह है, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि एक दूसरे सुने और फिर उसका जवाब दे। इमरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भाई? देखिए अभी जैन साहब ने, जब हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी ने कुछ सवाल उठाए तो उस पर बुरी तरीके से बिफर गए। अच्छा, और जिस तरह के शब्दों का चयन किया वो स्वाभाविक है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर पांच, अरे एक सुन लीजिए भाई, कौन से शब्दों का चयन, अरे भाई गुंडई कर रहे हो यार तुम, जबरदस्ती, अरे क्या गुंडई, मतलब समाजवादी पार्टी समझिए क्या, गुंडई करोगे यहाँ बैठ के, कोई बात जबरदस्ती, आम आदमी पार्टी वालों जमाल संभाल के गुंडई मत करिए, आम आदमी पार्टी वाले हर अंदाज में जवाब देना जानते हैं, समझ में आई बात की नहीं, गुंडई नहीं, एकदम गुंडई नहीं, गुंडई गुंडई बिल्कुल मत करिएगा, और ये दूसरे दूसरा समझने की कोशिश मत करिएगा, ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, हर अंदाज में जवाब देना जानती है आपको, आप मेरी किसी भी डिबेट को देखिएगा यहाँ बैठ के, मैं डिबेट में पार्टी को कहता हूँ, आप सुनिए गौरव जी को चुप कराइए, टिप्पणी बिल्कुल नहीं करता, चुप कराइए, सुन लीजिए आपने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसमें भी सवाल करे, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कर रहे हो, चाहे एंकर कर रहा हो, चाहे दूसरी पार्टी का प्रवक्ता कर रहा हो, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं बैठ के। आपने क्या कहा, अब अभी राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया है कि किसी से बायस नहीं है, आप ना बताइए, भाजपा प्रवक्ताओं के साथ समस्या ये है कि बीते दिनों में इनको ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक मिल रहे थे जिनको सपोर्ट करने का काम करते थे, पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो सवाल कर रहे थे, उनको सवाल सुनने की आदत नहीं है, ये ना तो ये विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं से आवाज सुन पाएंगे, निष्पक्ष लोगों से सवाल सुन पा रहे हैं, बच्चे आप हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी बच्चा हो सकती है, अभी छोटा बच्चा है आम आदमी पार्टी। अच्छा, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, अरे गुजरात में पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी क्या है भाई, गुजरात में अभी समझ में आ गया, क्या हो गया पंजाब में, क्या हो गया गुजरात में, क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी का सपना रातों में आता है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो सपनों में आ रही है, आम आदमी पार्टी सपनों में आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने विधायक की सरकार बना लोगे, एक कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी से लेकर भर के नहीं हो, आम आदमी पार्टी से भर के नहीं हो, जब शिक्षा मॉडल पर बहस आम आदमी पार्टी से महान कार्य किया, आम आदमी पार्टी हो गया 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 जो दिल्ली के विकास में सहायक है मजदूर, उसको दो टाइम का भोजन आप नहीं दे पाए, जी ठीक है, ये बचकाना हरकत नहीं है, ठीक है, ये महान कार्य किया, ठीक है, ठीक है भैया, भवन जी कुछ बोलना पड़ा, भवन जी बोलिए, मैं लेता हूं आपके। देखिए गौरव जी, मुझे आज घोर आपत्ति है, हमारे एक पैनलिस्ट साथी ने
समाजवादी पार्टी को गुंडई शब्द से जोड़ने का काम करा। इस शब्द पे मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है। निश्चित तौर पे ये लोकतांत्रिक पर्याप्त उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है समझ नहीं पाए मैंने समाजवादी पार्टी को गुंडई पार्टी नहीं बोला, मैंने समाजवादी पार्टी को मजलूम बोला था, विक्टिम बोला था कि आप आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी समझने की कोशिश मत करिए, हमसे गुंडागर्दी मत करिए। जिस अंदाज में अगर भाजपा जवाब चाहेगी उस अंदाज में आम आदमी पार्टी जवाब देगी। मैंने तो सपा को मतलब विक्टिम बोला था, मैंने गुंडई नहीं, गुंडई भाजपा के लिए मैंने इस्तेमाल किया। बोले बोले जल्दी बोले जल्दी बोले मोहन जी क्या बोलना चाह रहे बोलिए। राशन कार्ड हमने बनवाया, हमारी पार्टी ने 20 लाख लोगों का नया राशन कार्ड बनवाया, उनको भोजन दिया। आप उनको भोजन नहीं दे पाए 2 टाइम का, जो दिल्ली के विकास में सहायक है मजदूर, उनको वहां से भगा दिया। ये बचकाना हरकत नहीं क्या है? अरे कितने झूठ बोलोगे भाई, भारतीय झूठी पार्टी है आपकी भाजपा, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का कारोबार करने के लिए राजनीति में आए हो। मुद्दों पर राजनीति कर पाओगे कभी? एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, जवाब मिल जाएगा वहां से भी। अगर 20 से ज्यादा सीटें जीत के आ जाना एमसीडी में तो बात कर लीजिएगा हमसे। एमसीडी का चुनाव में वही मजदूर जवाब देंगे आपको, परेशान मत होइए। एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, वही प्रवासी मजदूर आपको जवाब दे देंगे, परेशान ना होइए। 20 से ज्यादा सीटें जीत जाना तो बताना हमको, जवाब मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा। ठीक है ठीक है अजय भाई, आपको बात करना चाह रहे थे। मैं खाली एक छोटी सी बात, बहुत शांति सुनिएगा जैन साहब जी। हम 7 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है जी। ये 7 लोग, एक आदमी आप बैठा दिए नगर आयुक्त के यहाँ देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। 7 लोग अलग अलग जाएंगे, सबसे अच्छा व्यवहार आपके साथ वो करेंगे, सबसे ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे। हमारी बात कैसे सुनेंगे? हम अपनी बात सुन के कैसे उनको पहुंचाएं कि भाई समस्याएं हैं? आपने सबकी जिम्मेदारी कर दी कि सपा की जिम्मेदारी भी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हम अपने से तो पावड़ा चला लेंगे, लेकिन जो काम हमें नगर आयुक्त से करवाना है वो काम सिर्फ आपसे सुन रहे हैं, हमारा नहीं सुन रहे। मेरा बस इतना ही सा बात था। ठीक है ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ आप पर कि आप काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी काम नहीं करना चाहते। ठीक है, विनोद भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये जब गौरव जी ख्याल रखा करिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी कॉमन एजेंडा चलाते हैं, जनता के से जुड़े मुद्दे पर। अच्छा, हमारी पार्टी भी आप एजेंडा चलाती है? और भाजपा और कांग्रेस के बीच में इलू हो रहा है। अरे अरे भाई, आप इलू खेल रहे हो गुजरात में, बता रहे हो कि आम आदमी पार्टी के बारे में? अरे भाई, आपने हर जगह तो अपने नेता बेच दिए, अरुणाचल में अपने विधायक बेच दिए, गोवा में अपने विधायक बेच दिए, उत्तराखंड में विधायक बेच दिए, कर्नाटक में अपने विधायक बेच दिए, महाराष्ट्र में अपने विधायक बेच दिए, हिमाचल में अपने विधायक बेच दिए। अरे आप विधायक बनाते ही एक भाजपा को जिताने के लिए? अरे भाजपा यहाँ चुनाव जीत के सरकार नहीं बना पाती है, आपसे अफेयर चला के सरकार बना लेती है, आपसे खरीद फरोख्त करके सरकार बना ले रही है। ये जो भाजपा और कांग्रेस का इलू चल रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है किसको बना रहे हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? भाजपा और कांग्रेस के बीच में किस तरह का रिश्ता है ये पूरे देश की जनता देख रही है। 9 राज्यों में आप जो अवैध हो गया। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ही बात यहाँ कहना चाहूंगा, ये जनता है सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। फिलहाल आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और जब यहाँ बात जनप्रतिनिधियों की हो रही है तो मेरे ख्याल से वोट मांगने अभी ही आएंगे, तब हमको चुनाव करना है। ऐसे लोगों का जो किसी पार्टी को देख के नहीं, ऐसे लोगों का जो हमारे लिए काम करें, जो हमारे प्रतिनिधि हों। अगर केवल पार्टी के प्रतिनिधि देख कर हम चुनाव करते रहेंगे तो स्थिति ऐसी बनी रहेगी, जिस दिन जनता जनता के प्रतिनिधि चुनेगी उस दिन वास्तव में विकास भी होगा, समस्या खत्म भी होगी और जनता की बात भी होगी। नहीं तो चुनाव ही शुरू है, ये चलता रहेगा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व हमेशा चलते रहते हैं। बदलाव चाहिए तो कोई बदलाव विचारों में करिए, साथ ही साथ चुनाव में करिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे आने को मुझे नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।